Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, अगर मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश में एक नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है और वो नाम है समाजवादी पार्टी के रामपुर के सांसद आजम खान को लेकर। आजम खान समाजवादी पार्टी के एक दिग्गज नेता हैं, तो वहीं रामपुर के तत्कालीन सांसद हैं और वो समाजवादी पार्टी के सरकार में कई सारे मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। तो वहीं मुस्लिमों के यूपी में एक बड़े दिग्गज नेता के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन आजकल उनकी स्थिति काफी ज्यादा खराब चल रही है और वजह यह है कि अवैध तरीके से कई सारी चीजों पर वो अपना वर्चस्व जिस तरीके से कायम किए हुए थे, यूनिवर्सिटी की बात कर लें या फिर उन पर कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं जिसके चलते वो सीतापुर जेल में बंद हैं। तो साथ में उनके बेटे भी जो कि विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी जेल में बंद हैं और इनकी पत्नी दो तंजीम फातिमा हैं, वो भी जेल में बंद थी लेकिन अब वो जेल से बाहर हैं। लेकिन आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही है और वजह उनका स्वास्थ्य है। जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान आजम खान की तबीयत काफी ज्यादा गंभीर हो गई थी, तो आनन फानन में मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। मेदांता हॉस्पिटल में जब शिफ्ट किया गया, ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वहां पर कई सारी गंभीर बीमारियों से आजम खान जो है वो जूझते नजर आए। कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। इसके अलावा जो है उनको कहीं जो बॉडी का अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनमें कई सारी प्रॉब्लम थी, तो वहीं मुंह में अल्सर का मामला भी सामने आया था, जिसको लेकर अब कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान का बच पाना मुश्किल है। लेकिन वो सुरक्षित, सेफ और बेहतर तरीके से इलाज जब मिला तो जो आजम खान हैं वो बेहतरीन तरीके से मेदांता हॉस्पिटल से रिकवर किए गए और फिर सीतापुर जेल में ट्रांसफर कर दिए गए। तो उनका एक पेशी था और उसी पेशी के पहले ही अचानक से फिर आजम खान की तबीयत खराब हो गई और आनंद फानन में सीतापुर जेल से मेदांता हॉस्पिटल में फिर से भर्ती किया गया, जिसके बाद से उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि आजम खान की स्वास्थ्य पहले ही बेहतर नहीं थी तो उनको क्यों सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया। उसके बाद से समाजवादी पार्टी के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो हैं वो सांसद का मंचून सत्र छोड़कर वो आजम खान से मिलने पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टरों की टीम से उन्होंने मुलाकात की और जिस प्रकार की भी व्यवस्था होनी चाहिए उसको लेकर उन्होंने कहा कि जैसी भी व्यवस्था, जैसी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसको लेकर आजम खान की टीम जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक याचिका दायर किया था और याचिका दायर में ये कहा गया था कि आजम खान को मेदांता हॉस्पिटल में बेहतरीन तरीके से इलाज करवाने दीजिए, जितना भी पैसा लगेगा वो आजम खान पे करेंगे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप जो है मेदांता हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं और जो भी खर्चा होगा वो आपको पे करना होगा, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं। बात करें तो अजय विकास जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि जो आजम खान हैं वो इलाज तो करवाएंगे, पैसा भी देंगे, लेकिन वो अपने परिवार के सदस्यों से नहीं मिल सकते हैं, ना ही वो परिवार के सदस्यों के साथ फोन पर बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टरों की टीम से उनकी परिवार मिल सकती है, लेकिन आजम खान अपने परिवार के सदस्यों से नहीं मिल सकते हैं। तो वहीं डॉक्टरों को ये भी लिखा गया है कि आजम खान किसी से भी बात न कर पाएं, ऐसी भूमिका निभानी पड़ेगी डॉक्टरों को। और सीतापुर जेल के जो अधीक्षक हैं सुरेश सिंह ने ये पूरी की पूरी जानकारी जो है डॉक्टर राकेश कपूर मेदांता हॉस्पिटल के जो MD हैं उनके पास पहुंचाया गया है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि आजम खान को जब फ्री और बेहतर इलाज मिलता है तो वो कितने दिन में रिकवर करते हैं। फिलहाल आजम खान के लिए बड़ी खुशखबरी है कि उनको अपने अनुसार इलाज कराने का मौका मिल गया। अपडेट था, मुझे लगा कि बताना चाहिए, तो अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो करें। आप सबको subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.